बैट लाइए जी। आउस बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। जी मैं अभी मौजूद हूँ छात्र यारा नाल बहारा उस्ताद चौधरी बिशारत अली आफ जगुएड, इनकी छत पे मौजूद हूँ मैं। तो आज इस छत से पहला टूर्नामेंट बड़े कबूतरों का बुलाया गया था सुबह, तो चार कबूतर बैठ चुके हैं जी और तीन कबूतर बकाया थे हमारे, उनमें से पांचवा कबूतर जो है वो सामने आया हुआ है मैदानों में, तकरीबन डेढ़ टावर है ऊपर, तो वो भी अभी जैसे ही बैठता आपको लाइव दिखाते हैं। इससे पहले जो कबूतर बैठे हैं वो आपको बताते हैं हम, तकरीबन पूरे 1:15 बजे पहला कबूतर बैठा है, 1:52 पे दूसरा कबूतर बैठा है, 2:03 पे तीसरा कबूतर बैठा है और 3:24 पे चौथा कबूतर बैठा है। पांचवा कबूतर ये सामने आया हुआ है और इसके ऊपर जो हमारी इस छत का फेमस कबूतर जो पिछले साल भी हर प्रवास में जो है वो सुपर प्रवास विनर कबूतर लेता रहा अपना नाम किंग दुमचीर, वो भी आज डबल मोर लेके ऊपर ही है। और उसके बाद 33 नंबर जो हमारी क्वीन मादी है वो भी आज ऊपर है उसके साथ। मशीन गन कबूतर जो पिछले सीज़न में भी कार वाले टूर्नामेंट्स में शाम को प्रवाजे देता रहा वो सामने आया हुआ है, तो वो जैसे बैठता है आपको दिखाते हैं। तमाम दोस्तों को भाइयों को वेलकम कहते हैं जो हमें देख रहे हैं जी, वाच कर रहे हैं हमारे ब्रॉड को। मैं मौजूद हूँ अभी उस्ताद चौधरी बिशारत अली आफ जगू एड छत यारा नाल बहारा। चार कबूतर बैठ चुके हैं, पांचवा कबूतर सामने आया हुआ है। मशीन गन कबूतर जो हमारा लास्ट ईयर होता रहा है कार कंपटीशन में भी, और उसके अलावा भी अच्छी परवाजें दी हैं पिछले साल। इस साल ये पहला टूर्नामेंट है इस छत से, अभी आपको दिखाते हैं ये कबूतर आया हुआ नीचे। और इससे ऊपर जो हमारी 33 नंबर क्वीन मादी है जिसने पिछले तकरीबन 6 टूर्नामेंट्स में लगातार 6 बजे के बाद की परवाजें दी थी वो भी आज ऊपर है। और किंग दुमचीर जो हमारी छत का फेमस कबूतर है वो भी ऊपर है। कौन है ये? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी चौधरी शकील साहब, ये कह रहे हैं कि हमें लाइव दिखाएं कबूतर जो आ रहा है आपका, ये भी लाइव देख रहे हैं जनाब। तो सब फेसबुक पे लाइव दिखा रहा हूँ, तो आप भी फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं जनाब। फेसबुक पे ऑन हो जाएं आप। मैसेज भेज जी। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे गेस्ट आए हुए हैं जी मंडी बावदेन से। ये हमारे दोस्त अखबाब तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ पे शौक देखने के लिए। ये अंकल मोहम्मद रफी साहब फ्रॉम फहरे मंडी बावलदीन। अंकल जी क्या हाल चाल है जी, ठीक ठाक है आपके? ठीक ठाक। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके शौक किया आपने? अच्छा लगा हमको। अच्छा, कबूतरों का ये जो उड़ रहे हैं प्रवास पसंद आई जी? सही हो गया। ये अभी आपके सामने एक दो कबूतर आ चुके हैं जी नीचे, हो गया बस। 33 नंबर भी और 33 नंबर क्वीन मादी और जनाब किंग मशीन गन दोनों कबूतर आए हुए हैं। और जाहिर बात है इस छत का जो फेमस कबूतर है किंग दुमचीर, उसने एंटी करना है इस छत पे, तो आज डबल मोर भी उसने ली हुई है और इन दोनों कबूतरों से ऊपर वो ब्रीक है, तो इंशाल्लाह ताला वो एंटी बैठेगा जी। ठीक हो गया महबूब खान साहब, इंशाल्लाह जी जरूर सलाम देते हैं आपका। वासफ उस तो बना
ये जी मलक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये दोस्त अखबाब आए हुए हैं जी, हमारे गेस्ट आए हुए हैं शौक हमारा देखने के लिए। ये मंडी बावल दिन से तशरीफ लाए हैं इस छत से शौक देखने के लिए। ये हमारे फैसल भाई हैं जी, और ये उस्ताद शायद गुजरा खान मुनसफ आए हुए हैं जनाब। ये जी आपको दिखाते हैं कबूतर नीचे आ चुका है जनाब, दोनों कबूतर एक मशीन गन और 33 नंबर क्वीन मादी जो है। ये आपको बताया था कि जनरल उड़ान में इसको लगड़ ने मारा है और इसीलिए डर के हम डाल लेते रहे, लेकिन ये कि हमारे इस छत की चैंपियन मादी थी इसलिए हमने ये विकेट ज़ाया नहीं करनी थी, लेकिन आज इसने अपनी बहादुरी दिखाई है और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए अभी आ रही है। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे और हमारे नसीब अच्छे करे। तो ये दो नीचे आ चुके हैं, और जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है, जैसा कि पिछले साल भी आप देखते रहे हैं कि इस छत का चैंपियन कबूतर किंग दुमचीर हर दफ़ा लास्ट पे बैठता है इस छत पे। तो आज भी पहली उड़ान जो है इस छत से वो इंशाल्लाह किंग दुमचीर ही एंड पे बैठेगा। क्लिप बना तो क्लिप। ये माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पिछले साल जी सातवीं उड़ान में 6:45 पे बैठा था ये कबूतर, आज पहली उड़ान है इस कबूतर की। मशीन गन इसका नाम है। लेकिन इसमें भाई चाल ही और सी, वो मेरे लिए नहीं चाल और सी। जी जाजी भाई क्या हाल चाल है जी, ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है भाई? थोड़ा इधर हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाए। ऊपर 33 नंबर क्वीन मादी भी आई हुई है जी, इसके साथ ही है। ये ज़्यादातर कबूतर जी नीचे वाले केज पे बैठते हैं, यहाँ पे सामने। आज कार खड़ी है नीचे, तो थोड़े बहुत कबूतर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं नीचे बैठते हुए। भाई नीचे बैठा कबूतर। ये 33 नंबर क्वीन वादी भी आई हुई है जी साथ ही, आप देख सकते हैं साथ मशीन गन कबूतर है। अड़ी करता है जी यहाँ पे आके, हर दफ़ा ही अड़ी करता है इधर आके ना, तकरीबन 10-15 मिनट लगा देता है बैठते हुए। वालेकुम सलाम लाला। भाई अद्धा घंटा लवाएगा थोड़ा और इतने। ये हमारे लाला जी सेटिस्फाई नहीं है जी इन कबूतरों पे अभी, क्योंकि लास्ट साल पिछले साल जो है इन कबूतरों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, यहाँ पे लाइटों पे बैठते रहे हैं। तो इस साल भी ये कह रहे थे कि लाइटों पे बैठेंगे तीनों, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि आपको बताया है कि दो दो रेस्टों पर डले हुए कबूतर, ये माशाल्लाह क्वीन मादी बैठ चुकी है जी माशाल्लाह।
वो दूसरा कबूतर भी बैठ के ऊपर जी। वो जनाब आप देख सकते हैं मशीन गन भी ऊपर बैठ गया, वो मशीन गन बैठा है ऊपर। और ये नीचे जनाब 33 नंबर क्वीन मादी जो हमारी है वो बैठ गई है माशाल्लाह। ये असल में कबूतर हमने लेट निकाले हैं इस दफ़ा, पिछले सीज़न में चैतर से उड़ते आ रहे थे तो किंग दिमचूर आया हुआ ऊपर ब्रीक है। ये आते हुए ये उस्ताद चौधरी बिशारत अली उनके बेटे हैं जी, ये मुनसिफ गए हुए थे तो आते हुए इन्होंने पूछा जी किंग तुम चीर का क्या बना, तो हमने कहा कि आगे ब्रीक नज़र आ रहा है। माला कभी आ गया है। ये जी हमारी 33 नंबर क्वीन मादी है, ये अभी बैठी है 4:00 कितने मिनट बैठी है जनाब दोनों ये टाइम लिखे मेरे 19 पे चार मेरे मोबाइल पे हो गया जी 4:20 4:19 पे बैठे हैं दोनों। ये ऊपर बैठा हुआ जनाब मशीन गन लाल लाल, ये मशीन गन बैठा हुआ जनाब। जी गुलफाम साहब 6 कबूतर बैठे हैं जी, ये 5वां छठा इकट्ठे बैठे हैं और 7वां कबूतर किंग दमचीर जो हमारा वो ऊपर आया हुआ है वो बड़ी क्या अभी, तो बाकी 4 कबूतर बैठे हैं। पहले 3:30 बजे तक 1:15 से 3:30 बजे तक 4 कबूतर बैठे हैं और 5वां छठा अभी बैठा है आपके सामने और 7वां कबूतर भी ऊपर आया हुआ है। जी जनाब क्या हाल चाल है जी, राजा फरकान साहब ठीक ठाक हैं? ये कबूतर ऊपर से नीचे उतर आया जी, ये माशाल्लाह मशीन गन कबूतर हमारा, पिछले साल इसकी परवाजें इस छत पे रिकॉर्ड हैं तकरीबन 8 से 9 परवाजें इसकी 6 बजे के बाद की हैं। कार कंपटीशन में भी ये दोनों नर और मादी जो है वो 6 बजे के बाद काफ़ी फड़कों में उड़ानों में बैठे हैं। ये मशीन गन जो कबूतर है ऊपर बैठा हुआ है, ये कार कंपटीशन 2021 में 7वीं उड़ान में भी ये 6:45 पर बैठा था। ये 33 नंबर क्वीन मादी 2 रेस्टों पे थी और ये 6:53 पे जनरल उड़ान पर भी बैठी हुई है। ये माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है जी अभी, ये हमें उम्मीद थी कि अगर आधा घंटा और ऊपर निकाल लेते तो शाम तक चले जाते, लेकिन ये है कि पीछे इनको बड़ी बड़ी आस्ता आस्ता स्लो तरीके से लेके आ रहे थे। आज पहला टूर्नामेंट था इस छत से तो सोचा कि हल्की इनकी परवाज ले लें, आगे दूसरी उड़ान भी है अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। डबल मोर वाला जो कबूतर हमारा किंग तुमचीर वो ऊपर है जी, वो ब्रीक नज़र आ रहा है तो उसकी अक्सर आदत है कि नीचे आके वो कबूतर शाम तक उड़ता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। वो कैसे कलर में देना है ये तमाम दोस्त अखबाब आके बैठे हुए हैं जी। जी बहुत शुक्रिया शकील साहब, क्या हालचाल है जी ठीक ठाक है? देखा जी कबूतरों की परफॉर्मेंस आपको लाइव दिखा रहे थे, दोनों कबूतर बैठे हैं हमारे, 33 नंबर क्वीन मादी बैठी है और मशीन गन कबूतर अभी बैठा है। किंग दमचीर हमारा अभी ऊपर है, डबल मोर उसको लगी हुई आज, तो आप सबको पता है कि छत का फेमस कबूतर जो है वो किंग दमचीर है,
जिसने एंड करना होता है, तो आज भी ऊपर है। तो अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह वो एंड पे बैठेगा। वो आया हुआ जी, कहेंगे तुम चीर भी ऊपर ऊपरले मैदानों में है वो। अगर मेरे कैमरे में अभी तो नहीं नजर आएगा, थोड़ी ज्यादा हाइट पे है। हाइट के डी से थल्ला आ गया। चलो आ जाता है अभी, अभी उसको भी दिखाते हैं जी बैठते हुए आपको। ये आज गर्द गुबार आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्द गुबार है और हवा भी साथ में चल रही है। टेम्परेचर भी आज 41 शो हो रहा था, और दूसरी बात ये कि नमी भी आज कम थी। अभी आगे हवा चलना शुरू हुई है। ये भाई शाम सुम करने के लिए आए हुए हैं कबूतरों की। ये आ गया जी, क्योंकि दुमचीर भी थोड़ा नीचे आ चुके हैं। आपको दिखाते हैं अग्गे लाला रे के गोली दे के भेजने, अज दिती नहीं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। शान भाई क्या हाल चाल है जी आपके? माशाल्लाह जी कबूतर माशाल्लाह अच्छे बैठ गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उड़ान में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे ये। तमाम दोस्तों को भैया को वेलकम कहते हैं जी। दो मेरी ब्रॉड को देख रहे हैं जो हमें वाच कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी महबूब खान साहब, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। आ रहे ये जी अभी थोड़ा और नीचे हो गए, आपको दिखाते हैं इसको कैमरे की जूमिंग में लेते हैं। उधर गया किधर गया जी, ये आया हुआ जी ऊपर। असल में थोड़ी ज़्यादा हाइट पे है इसलिए कैमरे की रेंज से बाहर है, तो जैसे ही अभी थोड़ा नीचे आता है आपको दिखाते हैं। ये अक्सर इस कबूतर की आदत है, पिछले साल इधर आके ये शाम शाम तक बैठता था। अगर 2 बजे निकल आया तब भी इसने शाम करनी है इधर आके। तो ये सीज़न का पहला टूर्नामेंट है, और कबूतर की परफॉर्मेंस भी अभी थोड़ी ज़्यादा नहीं थी, वो इसी वजह से कबूतर नीचे आके जो है अपनी रिदम नहीं बना रहा। क्योंकि कबूतर इस दफ़ा लेट हमने निकाले हैं रमज़ान की वजह से, पिछले साल चैतर से उड़ते आ रहे थे कबूतर। ये आ गया जी थोड़ा बहुत और नीचे कबूतर आ गए। ये आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में आ गया जी। अब
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ये मैंने फुल जूम किया हुआ जी इसको और ये भी आपको नज़र आएगा यहाँ से साढ़े चार हो गए सत्तर टप गए तू ना सवा पांच तू लाओ ना सत्तर सब पांच तू ला के सवा पांच तू ये जी दादा जी सामने आ गए हैं देखें आप इनको जी भर के देखें जी बिशारत जगू एड दो कबूतर चार सतारा दे चार सतारा जोड़ी छे हो गए चार सतारा बैठे वालेकुम सलाम रवि दा सलाम बाले ने या चाड़े रे दे छेवा दो रह गए ने सामने सही है लाल दो बैठे ने 4:15 बजे चार तारा दो दे एक अस्सलाम वालेकुम गया पर आ गया बिशारत जगू ऐड जी दो कबूतर चार नहीं नहीं पहले नहीं बैग कबूतर एक कबूतर रह गया पहला किंगडम शेर किंगडम शेर नीचे आया हुआ जी और अभी आपको दिखाते हैं डबल मोर वाला कबूतर नीचे आया हुआ किंगडम शेर सारे ने कितने घंटे जो नहीं काम होया
ਚੌਥਾ ਅਗੂ 4-17 ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗੂ 4-17 ਦੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਜਾਂ ਦਮਚੀਰ ਉਹ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਆਖਰੀ ਚਲੋ ਜੀ 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 ਸਹੀ ਜੀ ਸਹੀ ਜੀ ਸਹੀ ਜੀ ਸਹੀ ਅਲੱਗ ਕਬੂਤਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੈਸੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹਮੇ ਨਾਸਿਰ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।